चलिए बढ़ते खबरों में आगे। अमेरिकी संसद को पीएम मोदी ने संबोधित किया। भारत अमेरिका में जीवंत लोकतंत्र है, ये तमाम बातें कहते नजर आए। लोकतंत्र की जननी है। भारत में हर 100 मील पर व्यंजन बदल जाता है। भारत अभी दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, बहुत जल्द दुनिया की 30वीं अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। दो देशों के बीच में दोस्ती और विश्वास बढ़ा। दो सदियों से हमने एक दूसरे को प्रेरित किया है। महिलाएं बेहतर भविष्य का नेतृत्व कर रही हैं। देश की सेनाओं में महिलाओं की बड़ी भागीदारी है। भारत में हैं सबसे ज्यादा महिला पायलट, प्रधानमंत्री मोदी कहते नजर आए हैं। इधर यूपीआई में भारत दुनिया का लीडर रहा। 10 करोड़ किसानों के खाते में पैसे पहुंचाए गए। अमेरिकी संसद को प्रधानमंत्री मोदी ने संबोधित करते हुए तमाम बातें कही। तो लोकतंत्र, बराबरी और समानता का पर्याय भारत है। अमेरिका सबसे पुराना, भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है। एवरी 100 माइल्स आवर क्यूजिन चेंजेस फ्रॉम डोसा टू आलू पराठा एंड फ्रॉम श्रीखंड टू संदेश। We enjoy all of this. We are home to all faiths in the world and we celebrate all of them. When I first visited the US as a Prime Minister, India was the 10th largest economy in the world. 10th. Today, India is the 5th largest economy. And India will be the 3rd largest economy soon. टेलीग्राफिक के जरिए जरा समझिए अमेरिकी संसद में प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बड़ी बातें कही, किस तरीके से अपनी कविता से उन्होंने उत्साह को और बढ़ा दिया। तो आपको बता दें, कविता से उत्साह को जगाया। भारत अमेरिका के साझा सपनों की बात करते नजर आए। समान दृष्टिकोण और समान नियति से एकजुट हैं। लोकतांत्रिक मूल्यों का जिक्र भी किया। भारत समृद्ध होगा तो दुनिया भी समृद्धि की ओर अग्रसर होगी। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुद्दे पर जोर शोर से उन्होंने अपनी बात उठाई है। दोनों देशों के बीच में दोस्ती और विश्वास बढ़ा है। दो सदियों से हमने एक दूसरे को प्रेरित किया है। भारत की डिजिटल क्रांति से सांसदों को वाकिफ कराया गया। भारत से लाखों अमेरिकियों को मिल रहा है रोजगार। इधर हमारा दृष्टिकोण सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास है। भाषाएं 22 हैं, बोलियां हजारों हैं, लेकिन स्वर एक। महिलाएं बेहतर भविष्य का नेतृत्व कर रही हैं। देश की सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो रही है, बढ़ रही है। बात यूपीआई की करें, यूपीआई में भारत दुनिया का लीडर है। 10 करोड़ किसानों के खाते में पैसे पहुंचे हैं। भारत में विविधता जीवन जीने का एक स्वाभाविक तरीका है। संबोधन के दौरान जमकर हुई पीएम मोदी की वाहवाही, जो की तस्वीरें आपने देखी, मोदी मोदी के नारों से पूरी अमेरिकी संसद गूंज उठी। इधर बाइडेन से चर्चा के बाद पीएम मोदी का बयान भी सामने आया। भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहद अहम हैं। भारत अमेरिका मिलकर हथियार बनाएंगे, आतंकवाद से लड़ाई में साथ साथ आएंगे। भारत यूएस साथ आएगा, आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई की अब जरूरत आन पड़ी है। तो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए हमारे संबंध अहम है। हर क्षेत्र में भागीदारी बढ़ी है, साझेदारी बढ़ी है, प्रधानमंत्री मोदी ने बात कही। भारत अमेरिका के डीएनए में है लोकतंत्र, वही संविधान के आधार पर देश चलता है। तो तमाम बड़ी बातें कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं नहीं, भारत डेमोक्रेसी है। और जैसा राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है।
लोकतंत्र हमारा स्पिरिट है, लोकतंत्र हमारी रगों में है, लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसको शब्दों में ढाला है संविधान के रूप में, और हमारी सरकार लोकतंत्र के मूलभूत मूल्यों को आधार लेकर के बने हुए संविधान के आधार पर चलती है। और हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवर कहता हूं तब कास्ट, क्रीड, रिलीजन, जेंडर, किसी भी भेदभाव को वहां जगह नहीं होती है। और जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं तब अगर ह्यूमन वैल्यू नहीं है, ह्यूमैनिटी नहीं है, ह्यूमन राइट्स नहीं है, फिर तो वो डेमोक्रेसी है ही नहीं। और इसलिए जब आप डेमोक्रेसी कहते हैं, जब डेमोक्रेसी को स्वीकार करते हैं और जब हम डेमोक्रेसी को लेकर के जीते हैं तब डिस्क्रिमिनेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। और इसलिए भारत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उन मूलभूत सिद्धांतों को लेकर के, और इसलिए हम चलते हैं। दौरा और ये मुलाकात बेहद खास है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।